दोस्तों, आज आप और हम मिलकर बहुत ही झटपट बनने वाला ऐसा इंस्टेंट प्रीमिक्स शरबत बनाएंगे, जिसे हम ट्रैवल करते वक्त भी साथ में लेकर जा सकते हैं। और सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर हम इसमें से दो अलग तरह के शरबत बनाकर पी सकते हैं, और वो भी हेल्दी वाले। और इसे बनाना मतलब कि बच्चों का काम, और बहुत ही आसान सी विधि और बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर जो हरी वाली सौंफ आती है वो लिया है। आप देख सकते हो कि एकदम हरी वाली जो सौंफ आती है ना, जिसे गुजराती में वरियाली और जिसे बड़ी सौंफ भी कहा जाता है, वो एक कटोरी। आप कोई भी मेजरमेंट, मतलब कि एक कटोरी या कटोरा, एक कप, कोई भी मेजरमेंट से ये स्टार्ट कर सकते हो। और इसे हमें है ना कच्चा ही ले लेना है एक मिक्सर जार के अंदर। और आप देख सकते हो कि हमने इसको रोस्ट भी नहीं किया है। और साथ ही में हमने ले लिया है एक चम्मच के जितने काली मिर्च के दाने, और ये जो काले मिर्च के दाने हैं उसे हमें अखा ही ले लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 चम्मच खसखस और 1 चम्मच इलायची पाउडर। आप अगर इलायची अखी डालना चाहते हो तो 10 से 15 अखे इलायची के दाने भी ले सकते हो। और इसे हमें ना मिक्सर जार में अच्छे से पाउडर बना लेंगे। और आप देख सकते हो कि ये ना कुछ ही सेकंड के अंदर अच्छे से इसका पाउडर बन चुका है, पर अभी ये तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं हेल्थी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी जो है खड़ी शक्कर लिया है। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हो। खड़ी शक्कर को हम पहले दरदरा है ना खलबत्ता में कूट लेंगे। और फिर से हमें क्या करना है, जो मेजरिंग से हमने जो वरियाली लिए है ना, जो सौंफ लिए ना, वही कप या कटोरी से आपको 2 कटोरी जो है खड़ी शक्कर ले लेनी है। अगर आप चीनी लेते हो तो आप 3 कटोरी चीनी ले सकते हो। और ये खड़ी शक्कर के साथ हमने इसको पीस लिया है। और फिर उसके बाद हम इसको है ना कोई भी एक अच्छी छन्नी या स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे। जो दरदरा बचा है ना उसे भी हमें ना फिर से एक बार पीस लेंगे थोड़ी सी खड़ी शक्कर ऐड करके। और यहाँ पर रेशो यही रहेगा कि 1 कटोरी अगर हमारी बड़ी सौंफ है तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पर खड़ी शक्कर लिया है, क्योंकि खड़ी शक्कर जो होती है कुछ ज़्यादा ही मीठी होती है। और चीनी अगर आप ले रहे हो तो 3 कटोरी ले सकते हो। और ये रेशो से एकदम परफेक्ट हमारा वरियाड़ीनो जो शरबत कहा जाता है वो बन जाएगा। बिना गैस का चूल्हा जलाए और इंस्टेंट प्रीमेक शरबत हम ये बना रहे तो बिना गैस जलाए ये बन जाएगा। ना चाशनी की झंझट, ना कोई फ्रिज में स्टोर करने की झंझट। बस इसे बना लिया, और कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो या कांच की बोतल हो, किसी में भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। और जब मन चाहे बस इसमें से बहुत अलग अलग तरह की हम इसमें से 2 शरबत बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको ना बहुत अच्छे से छान लिया है, और बहुत ही अच्छा हमारा ये पाउडर बन चुका है। और इसे हमें ना एक बार अच्छे से मिक्स करके एक कांच की बोतल में भर के रख देंगे। और इसे हमें ना बिना फ्रिज में भी मतलब कि रख सकते, आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, और बिना फ्रिज के भी इसे आप आसानी से बाहर रख सकते हो, क्योंकि सारी सामग्री को हमने अच्छे से पीस लिया है और अच्छे से छान लिया है। और जब मन चाहे बस इसमें से हमें शरबत बनाना है। और देखकर ही लग रहा है ना एकदम परफेक्ट पाउडर हमारा बन चुका है, और वो भी बिना गैस चालू किए। हमें जो ये बड़ी सौंफ होती है ना उसको सेकना नहीं होता है। अगर सेक लेंगे तो इसका जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट ये हमारा रेसो है। और इसमें जो हमने काली मिर्च लिए ना, जो काली मिर्च है ना उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। और जो हमने खसखस लिया है ना उससे एक क्रीमीपन भी मिलेगा। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच ग्लास में ये हमारा सौंफ का शरबत के लिए प्रीमिक्स ले लिया है, और उसमें हमने ले लिया है नेचुरल मटके का पानी। आप चाहे तो यहाँ पर आइस क्यूब भी ले सकते हो, पर हम ये नेचुरल बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने नेचुरल मटके का पानी ले लिया है। और बस एक ही
मिनट के अंदर, मतलब कि 30 सेकंड के अंदर ये हमारा एकदम अच्छा ठंडा कूल वरियाड़ी का शरबत रेडी है। और अभी हम दूसरा तरीका देख लेते। यहाँ पर मैंने एक चम्मच और एक ग्लास में ले लिया और इसके अंदर हमने ले लिया है एक ग्लास के जितना ठंडा दूध। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग तरह के प्रीमिक्स में से दो शरबत तैयार है। आप चाहे तो इसे पानी वाला पीजिए या फिर दूध वाला, दोनों भी बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और ये गर्मियों में तो एकदम हमें रिफ्रेशमेंट कर देते हैं, क्योंकि नेचुरल है और जो हमने खड़ी शक्कर लिया है वो तो हेल्थी होती है, और जो बड़ी शॉप होती है ना वो भी हमें बहुत दरोताजा कर देती है, हमारे बॉडी को रिफ्रेशमेंट कर देती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। रोज नई रेसिपी के लिए पारुल भानुशाली चैनल को देखते रहिए।